पर्पल फिंच फिंच फैमिली के एक बहुत ही लोकप्रिय सदस्य है। उनका दिलचस्प व्यक्तित्व और सुंदर अलग टाइप के दिखने के लिए इस नस्ल के फिंच को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। उनका साइज 6.3 से 7 इंचेस की होती है। उनका वजन 18 से 32 ग्राम्स की है और उनका जीवन काल 5 से 9 साल की है। इन पक्षियों को अच्छे से रखने के लिए एक 30 इंच लंबा, 18 इंच ऊंचा और 18 इंच चौड़ा पिंजरे की आवश्यकता होती है। ज्यादातर पर्पल फिंच इंटरैक्टिव, लाउड, एक्टिव, जॉयफुल और आक्रामक होते हैं। पर्पल फिंचेस बहुत छोटे पक्षी हैं जिनके एक विशिष्ट प्रकार के रूप है। नर और मादा दोनों ही समान दिखते हैं और उनके दिखने में बस कुछ ही अंतर है। सभी एडल्ट पर्पल फिंच के बॉडी भूरे रंग का पंख से ढका होता है। नर के शरीर के ऊपरी भाग का हिस्सा रास्पबेरी पंख से ढका रहता है और मादा फिंच में नर के जैसे लाल रंग के धारियां नहीं होते हैं। इसके वजह से मादाओं के शरीर का ऊपरी हिस्सा हल्के भूरे रंग के होते हैं। पर्पल फिंच ज्यादातर अलग अलग प्रकार के बीज खाना पसंद करते हैं। वास्तव में इन पक्षियों के चोंच किसी भी आकार के बीज में कटौती करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन सभी पर्पल फिंच बीज खाने के बारे में बहुत ही विशिष्ट है। वे विशेष रूप से अपने व्यक्तिगत चॉइस के अनुसार मोटे बीज पर पतले बीज चुनते हैं। पर्पल फिंच उन पक्षियों में से नहीं है जो फल और सब्जियां खाना पसंद करते हैं। उन्हें खाने के लिए विभिन्न प्रकार के बीज की जरूरत होती है, क्योंकि बीज के मिश्रण से ही उन्हें पोषण मिलता है। वे बहुत ही अच्छा पालतू जानवर है, इंटरेक्टिव है, लाउड है। पर्पल फिंच इंसानों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं। वे आपके घर के बच्चों को गाना गा के, सीटी मार के उनका काफी मनोरंजन भी करते हैं। ये पक्षियां बहुत ही जोर से आवाज करते हैं और थोड़ा बहुत बात भी करने की क्षमता रखते हैं। उनके पास प्राकृतिक बोलने की क्षमता है और उनको बोलने के लिए कुछ ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है। एक पालतू जानवर के रूप में पर्पल फिंच हर एक इंसान को ग्रीट करते हैं और उनके हैप्पी नेचर के कारण हर किसी के साथ बात भी करते हैं। पर्पल फिंचेस थोड़ा बहुत आक्रामक भी होते हैं, इसलिए ये पक्षियां छोटे छोटे चीजों के लिए गुस्सा हो जाते हैं। बाइटिंग एक तरीका है जिसके माध्यम से वे अपने नापसंद और असुविधा व्यक्त करते हैं, इसलिए इन पक्षियों को बाइट ना करने की ट्रेनिंग देना आवश्यक है या फिर वे दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।